एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने रान के जोड़ खोलने का तरीका सिखाया था, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि दस्ती किस तरीके से खोली जाती है, बछिया की दस्ती किस तरीके से खोली जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये तरीकेदार के किस तरीके से इसके जोड़ खोले जाते हैं, किस तरीके से बोंग निकाली जाती है, किस तरीके से शाने की हड्डी निकाली जाती है। लेकिन आगे ले जाने से पहले बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि बकरीद के ऊपर बकरे कटवाने की सहूलत हमारी दुकान के ऊपर मौजूद है। हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी को भी अगर बकरे कटवाने हों बकरीद पर तो वो हमारी दुकान पर आ सकते हैं और आके रेट के बारे में मालूमात ले सकते हैं। और दूसरा, कीमा निकालने की भी सहूलत हमारे पास मौजूद है, तो आप लाजमी आप आइएगा, मुनासिब रेटों के अंदर कीमा निकाला जाएगा, मुनासिब रेटों के अंदर इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के बकरे ज़िबा किए जाएंगे। अब चलते हैं हम दुकान की तरफ कि किस तरीके से कि मैं मेरे कारीगर जो है दस्ती के जो है जोड़ खोल रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चले आप दुकान की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जो है रान के जोड़ खोलना तो सीख ही लिए थे, सही है ना, आज हम बछिया की दस्ती को खोलेंगे। और ये देखें आप ये किस तरीके से अरसलान कुरैशी जो है ये सबसे पहले जो है ना क्या करेंगे, किस तरीके से छुरी चला रहे हैं ये भी देखें आप ना, अब कहाँ चला रहे हैं, किस चंद में छुरी की जो नोक है ना, छुरी की जो नोक है उसको लाजमी देखो कि किस तरीके से छुरी चलाई जा रही है, कि दस्ती को किस तरीके से निकाला जा रहा है ना। जब दस्ती को निकालेंगे तो फिर दस्ती के जोड़ खोलना भी आप लोगों को सिखा दूंगा। पहले दस्ती को जो है सीने से यानी चांपों से अलग कर देंगे। ये देखें आप किस तरीके से जो है ना, मतलब दस्ती को बाहर निकाला जा रहा है। छुरी को आप देखते हैं, छुरी किस तरीके से चल रही है, ये देखें आप छुरी जो है ना कहाँ कहाँ और किस तरीके से किस एंगल से चलाई जा रही है। ये बछिया की दस्ती है, देखिए कितने आराम से जो है ना मतलब दस्ती को बाहर निकाल देंगे। देखें आप दस्ती को हमने बाहर निकाल दिया, देखा आपने दस्ती को किस तरीके से कितने प्यार से बाहर निकाला। अब ये देखें आप ये किस तरीके से गर्दन जो होती है ना, गर्दन दस्ती के अंदर ही गर्दन होती है सीने के अंदर, ये गर्दन को जो है ना देखें आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, कहाँ देखें आप, खाली छुरी को देखें कि किस तरीके से जोड़ के ऊपर मारी जा रही है, किस तरीके से लगा रही है, कि गर्दन को किस तरीके से अलग किया जाएगा इसके अंदर से ना, जोड़ देखें आप, खाली जोड़ देखें कि कौन से जोड़ के ऊपर छुरी चल रही है, बहुत आराम से बहुत तरीके से। ये देखा आपने कितने प्यार से गर्दन को बाहर निकाल दिया। ये देखें अब आप ये जो सीना और चांप ये दोनों अलग अलग किया जाएगा, ये किस तरीके से छुरा चला रहे हैं आप खाली देखें, छुरे को देखें आप, ये छुरा किस तरीके से चलाया जा रहा है और कहाँ मारा जा रहा है ना, कि किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इन दोनों को अलग कर देंगे सीने को और चांप को। करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी से सीख सकें, और बकरीद बहुत करीब है तो आप लोगों के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। ये क्या है, ये देखो ये सीना है, और चांप का है, ये चांप है। तो ये जो है दस्ती खोल रहे हैं, दस्ती खोलने के तरीका को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसके जोड़ खोल रहे हैं। कामिल बताते रहना ये कौन सी जगह पे छुरी तुमने चलाई है, ये शाने की हड्डी निकालना, शाने की हड्डी जिसको कहते हैं ना, ये वहां से उसको निकालेंगे बाहर ना। आप बस छुरी को देखें, ज्यादा से ज्यादा जो है ना छुरी को देखें कि छुरी कहाँ पे चलाई जा रही है, किस जगह पे चलाई जा रही है और किस तरीके से चलाई जा रही है ना, तो गोश्त भी खराब ना हो और दस्ती के जोड़ भी खुल जाए। बस ये याद रहे कि जिस तरीके से ये कामिल हमारा जो दस्ती के जोड़ खोल रहा है ना,
कि हड्डी के ऊपर जो ना एक बोटी भी नहीं लगनी चाहिए भाई। और कामिल भाई देखो आपकी ये वीडियो बन रही है तो बराए मेहरबानी मेरी ऑडियंस को जो है ना शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस ये बोले कि क्या कहते हैं अपना इसके ऊपर जो है ना कारीगर ही ऐसा है ना, कारीगर ने गोश्त लगा रहने। ये देखें आप शानी की हड्डी को, अच्छा इसको तोड़ना ज़रा लाजमी होता है, ज़रा ये भी देख लो ना शानी की हड्डी को तोड़ना लाजमी होता है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जब टूट जाती है तो फिर ये किसी काम की नहीं रहती, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये टूट चुकी है, ये देखें आप छुरा चल रहा है किस तरीके से चला रहा है ये कामिल ना। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, समझने वाले के ऊपर है। देखो कितने प्यार से जो है शाने की हड्डी बाहर निकाल दी इन्होंने, ज़बरदस्त कामिल भाई बहुत अच्छे। अब जो है ये दस्ती के अंदर जो बोंग होती है ना उसको बाहर निकालेंगे, और ये देखें आप कि किस तरीके से मतलब कहाँ पे कौन सा जोड़ है जिसके ऊपर छुरी चलाई जा रही है। गौर से देखें, बकरीद करीब है, बार बार बोल रहा हूँ बकरीद करीब है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोगों ने जो डिमांड रखी है उनकी फरमाइश के ऊपर जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से जो है जोड़ खोले जाते हैं। देखें आप कितने प्यार से जोड़ खुल गया, सिर्फ जगह का मालूम होना चाहिए आपको। ये देखें आप ये बोंग बाहर निकाल दी, देखा आपने कितने प्यार से बोंग को बाहर निकाला। ये देखें आप छुरी को देखो, खाली छुरी की धार को देखो आप कि छुरी कैसे चला रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी और किस तरीके से ये बना रहे हैं। और भाई जो जो व्यूवर्स मेरा ये वीडियो देख रहा है अगर वो खुद से घर में तजर्बा करे तो लाजमी अपनी एक वीडियो बना के मुझे मेंशन लाजमी करे कि जो है कि ये देखें भाई हमने इस तरीके से बनाई है। अगर कहीं गलती होगी तो मैं इंशाल्लाह उसको गाइड करूँगा कि किस तरीके से बनाई है और किस तरीके से नहीं बनाई है। ये बोंग की जो हड्डी है जो जोड़ होता है जिसको गुड कहा जाता है, जोड़ के ऊपर जो है छुरा मार रहे। ये देखें आप कितने प्यार से माशाल्लाह से ना। अच्छा छुरियों को लाजमी तेज़ रखें भाई, बकरीद आ रही है, काम बहुत होता है, छुरियों को लाजमी तेज़ रखें। देखा आपने ये बोंग बाहर निकाल दी है। अब ये देखें आप ये दस्ती की जो है नली बाहर निकाल रहे हैं। कामिल भाई जरा नली जरा तरीके से दिखाओ मेरे व्यूवर्स को, नली किस तरीके से बाहर निकाल रहे हो जरा, और छुरी बताओ कैसे कैसे चला रहे हो। देखो यार ये आप जो है ना गोश्त लगा छोड़ दो हड्डी के ऊपर और मेरे व्यूवर्स बोलेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि गोश्त लगा नहीं रहना चाहिए और आपका कारीगर खुद ही गोश्त लगा छोड़ रहा है इसके ऊपर, इस नली पे गोश्त लगता। अच्छा इस नली के ऊपर गोश्त लग जाता है। नहीं नहीं मुझे नहीं पता ना भाई, मैं भी आपके साथ साथ जो है ना सीख रहा हूँ, जिस तरह मेरे व्यूवर्स सीख रहे मैं भी सीख रहा हूँ उनके साथ साथ। तो यार आप सही से सिखाएं जरा। हाँ ये देखें आप नली जो है किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं हमारा भाई कामिल। बहुत आसानी से निकल जाती है, करीब से देख ले भाई, फिर नहीं बोलना कि भाई सिखाया नहीं। बहुत डिमांड आ रही है, बहुत डिमांड आ रही है कि भाई गोश्त तोड़ने का, गोश्त के जोड़ खोलने का तरीका सिखाएं। बकरीद आ रही है, जाहिर सी बात है हर बंदा जो है ना घर के अंदर जो है ना छोटा मोटा गोश्त बना ही रहा होता है। अच्छा बकरीद के ऊपर कीमा निकालने की भी सहूलत हमारी दुकान पर मौजूद है, तो आप लाजमी आइएगा, और अगर किसी को बकरे कटवाने हो तो बकरे भी कटवा लीजिएगा हमारे पास, लेकिन दुकान पर आके काटिए कटवाइएगा, कहीं घर जाके हम लोग नहीं काटेंगे। देखा आपने किस तरीके से जो है हड्डी निकाल दी, यानी नली निकाल दी बाहर, ये बगैर हड्डी की हो गई है भाई दस्ती, ज़बरदस्त भाई बहुत अच्छे। या आमिर भाई जो है अभी आपने दस्ती तो देख ली थी खोलने का तरीका, लेकिन ये मैंने वाला चलो एक्स्ट्रा के अंदर आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो पुट होती है ना कि पुट का जोड़ किस तरीके से खोला जाता है और पुट को किस तरीके से अलग किया जाता है। देखें आप खाली छुरी को देखें, आप खाली छुरी को देखें कि किस तरीके से पुट को निकाल रहे हैं आमिर भाई। गोश्त भी देखें यार माशाल्लाह कैसा गुलाबी गोश्त होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह जवाब नहीं है। देखा आपने कि पुट किस तरीके से निकाल रहा है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरह।
और जोड़ कहाँ पर है, किस जगह मौजूद है। देखा आपने फुट किस तरीके से निकाली इन्होंने। चिकन की भी सहूलत मौजूद है हमारे पास, जैसा कि बकरीद के बाद जो है जाहिर सी बात है गोश्त के अंदर कमी आ जाएगी तो लोग ज़्यादातर चिकन की तरफ मुतवज्जा होंगे। जाहिर सी बात है हर बंदा गोश्त खा खा के थक जाता है, तो चिकन भी होलसेल और रिटेल रेटों के अंदर हमारे पास दस्तियाब है। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए भी आप हमसे रिजू कर सकते हैं। ए आर मीट अल राजिक चिकन एंड बीफ। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़। Ready?